जय गणेश। मैं पंडित दौलतराम सारस्वत आप सबका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सभी ज्योतिष प्रेमियों का मेरा राम राम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं स्वर विज्ञान ज्योतिष के बारे में, स्वर क्या होता है इसके बारे में। पंच तत्वों का बना हुआ मानव शरीर ब्रह्मांड का ही एक छोटा प्रतिरूप है। परमात्मा प्रभु की असीम कृपा से जन्म के साथ ही मानव को श्रुद्य ज्ञान मिला हुआ है। यह विशुद्ध वैज्ञानिक आध्यात्मिक ज्ञान दर्शन है। मनुष्य की नासिका में दो छिद्र है, दाहिना और बायां। दो छिद्रों में से केवल एक छिद्र से ही वायु का प्रवेश और बाहर निकलना होता रहता है, दूसरा छिद्र बंद रहता है। जब दूसरे छिद्र से वायु का प्रवेश एवं बाहर निकलना प्रारंभ होता है तो पहला छिद्र स्वतः ही स्वाभाविक रूप से बंद हो जाता है, अर्थात एक छिद्र क्रियाशील रहता है तो दूसरा बंद हो जाता है। इस प्रकार वायु के संचार की क्रिया श्वास प्रश्वास को ही स्वर कहते हैं। स्वर ही श्वास है, श्वास ही जीवन का प्राण है। स्वर का दिन रात 24 घंटे बना रहना ही जीवन है और स्वर का बंद होना मृत्यु का प्रतीक है। स्वर का उदय सूर्योदय के समय के साथ प्रारंभ होता है। साधारणतया स्वर प्रतिदिन प्रत्येक ढाई घटी पर अर्थात एक घंटे के बाद दाया से बायां और बायां से दाया बदलता है। इस और इन घटियों के बीच सूर्योदय के साथ पांच तत्व है, पृथ्वी तत्व है, ये 20 मिनट तक रहता है। पहले बहुत 20 मिनट तक रहता है, फिर उसके बाद 20 मिनट बाद में 16 मिनट तक जल तत्व शुरू हो जाता है, फिर जल तत्व के बाद 12 मिनट तक अग्नि तत्व शुरू हो जाता है और अग्नि तत्व के बाद में 8 मिनट तक वायु तत्व रहता है और वायु तत्व के बाद में आकाश 4 मिनट तक रहता है। ये एक घंटे तक रहते हैं। भी एक विशेष समय कर्म से उदय होकर क्रिया करते हैं। प्रत्येक दायां बायां स्वर का स्वाभाविक गति से एक घंटे में 900 श्वास संचार का क्रम होता है और पांच तत्व 60 घटी में 12 बार बदलते हैं एवं स्वस्थ व्यक्ति की श्वास प्रश्वास क्रिया दिन रात अर्थात 24 घंटों में 21,600 बार होती है। नासिका के दाहिने छिद्र को दया स्वर या सूर्य स्वर या पिंगला नाड़ी स्वर कहते हैं तथा बाएं छिद्र को बया स्वर या चंद्र स्वर या ईड़ा नाड़ी स्वर कहते हैं। कभी कभी दोनों छिद्रों से वायु प्रवाह एक साथ निकलना प्रारंभ हो जाता है जिसे सुषुम्ना नाड़ी स्वर कहते हैं, इसे उभय स्वर भी कहते हैं। इन स्वरों का अनुभव व्यक्ति स्वयं ही करता है, कौन सा स्वर चलित है, कौन सा स्वर अचलित है, कौन सा स्वर शुभ है, कौन सा अशुभ है, यही स्वर विज्ञान ज्योतिष है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप अपनी राय जरूर व्यक्त करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना। जय गणेश।